जो जो सेंट्रल हिंदुस्तान द हिंदुस्तान द सेंट्रल डोंट वरी डोंट बी स्कैर्ड वी आर डिस्कस डरो मत हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार ने 19 सितंबर की थी नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पटल पर रखा। अब ये महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति अधिनियम बिल पास किया जा चुका है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। राज्यसभा में पूरा समर्थन मिला है मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल के चलते। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला भी जारी है, एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी सदन में खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि 2029 से क्यों अभी से इसे लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने भी डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी सदन में किस तरह से अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आए थे, सुनिए जरा। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया, जो सेंट्रल हिंदुस्तान द सेंट्रल डोंट वरी डोंट बी स्कैर्ड वी आर डिस्कस डरो मत हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक सिंपल थिंग आई डिड, आई सेड लुक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the people who define how this country is governed, of course Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 secretary हैं,
सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है, आप ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है, और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है, डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर स्पीकर सर प्लीज, दिस डिस्कशन इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, द वुमेन बीइंग वन ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द ओबीसी कम्युनिटी बीइंग अनदर ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. Yeh OBC community ka apman hai. Toh sawal uthta hai ki is desh mein कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है, आपको दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको दिखाएंगे। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू।
आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन स्मृति ईरानी क्या कुछ कहती हैं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि बीजेपी में पीएम मोदी ने जब से यात्रा शुरू की है, हमने तब से पार्टी संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। 1971 में सरकार ने महिलाओं की स्थिति को लेकर एक कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट 1974 में आई थी। इसमें जिक्र था कि भारतीय जनसंघ ने कहा कि महिलाओं को संवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए, हमने इसे संवैधानिक रूप भी दिया है। इतना ही नहीं, उनका कहना साफ तौर पर रहा है, यहां पर दावा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से सामाजिक बदलाव भी होंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बात रखी। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने को कहा सदन में। वह कहती हैं कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी संविधान के ज्ञाता नहीं है, ऐसे में आग्रह है कि लोग संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें। कांग्रेस इसे अभी लागू करने की मांग इस कारण कर रही है ताकि महिला आरक्षण बिल पर वह कोर्ट कोर्ट जाएं। ऐसा ही उन्होंने 370 में किया था और कांग्रेस की 2010 से 2014 तक सरकार रही, लेकिन इनके साथ के ही दलों ने इसका यानी कि महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से स्मृति ईरानी ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि सरकार से यहाँ पर मांग की गई है बाकी के तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि 33% के बदले 50% किया जाना चाहिए, इससे ज्यादा किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखा जाए सरकार अपने इस फैसले पर अड़े है। देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 से पहले और क्या कुछ सियासी और सामाजिक बदलाव करने में आगे रहेगी मोदी सरकार, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 24 को ध्यान में रखते हुए तमाम अहम रणनीतियां भी बनाते हुए नजर आ रहा है विपक्षी दल इंडिया गठबंधन। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।